स्वागत है दोस्तों अपने यूट्यूब चैनल एग्रो स्टडीज़ में। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात कर रहे हैं बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर मिड टर्म एग्जाम के बारे में बात कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, मिड टर्म एग्जाम के क्वेश्चन पेपर के बारे में बात करेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शुरू से इंटर देखिएगा, ठीक है, तभी आप लोगों को समझ आएगा। और मैं पीडीएफ का लिंक भी मैं आपको दूंगा, ठीक है, वीडियो के बीच में ही आपको दूंगा, ठीक है। तो आप लोगों को यदि वीडियो शुरू से इंटर देखते हैं तभी आप लोग इसका पीडीएफ पा सकेंगे, ठीक है। अब देखिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इसी प्रकार से क्वेश्चन आपका मिड टर्म एग्जाम में आता है, ठीक है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा अच्छे से। पहले देखिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो आपका यूनिवर्सिटी होता है, ठीक है, वो यूनिवर्सिटी जो होता है उसमें आपका जो मिड टर्म कराता है वो इंग्लिश मीडियम से कराता है। किस में कराता है? इंग्लिश में कराता है, ना कि हिंदी में कराता है। जो प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं उसमें हिंदी में करा दिया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, और मिड टर्म एग्ज़ाम जो होता है, ठीक है, वो आपके टीचर ही बनाते हैं, ना कि बाहरी क्वेश्चन, मतलब बाहरी टीचर बनाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, तो ये हमारा जो क्वेश्चन पेपर है ये हमारा है इंट्रोडक्टरी एग्रोमेटोलॉजिकल एंड क्लाइमेट चेंज, ठीक है, यानी कि किसी मौसमी एंड जलवायु विज्ञान के ऊपर है। तो इस पर देख लीजिएगा, सबसे पहले इसमें मैक्सिमम मार्क की बात की जाए तो 30 नंबर है, और टाइम ड्यूरेशन आपका 1 घंटे का होता है, ठीक है। यह क्वेश्चन पेपर 2019 का है, ठीक है, लेकिन ये इसी प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, 2023, 24, 25 इसी प्रकार से क्वेश्चन आएंगे, तो आप तो ध्यान दीजिएगा इस प्रकार से। स्टार्ट करते हैं वीडियो। इसमें दिया गया फिल इन द ब्लैंक्स, टोटल नंबर है 10 नंबर है, ठीक है। इसमें दिया गया ट्रेड विंड लाइन बिटवीन, ठीक है, ट्रेड विंड लाइन बिटवीन, ठीक है। इसमें आपको आंसर देना है, मैं तो सॉल्व तो नहीं करा पाऊंगा लेकिन आप लोग ध्यान दीजिएगा। इसके बाद देखिए सेकंड ऑप्शन पर आपका लाइन ज्वाइनिंग द टू प्लेसेस हैविंग इक्वल प्रेशर इज सैलिड। थर्ड नंबर पर आपका आता है व्हाट आर द डिफरेंट प्रेशर बेल्ट्स। इसके बाद फोर्थ नंबर पर आपका आता है कोल्डेस्ट लेयर ऑफ एटमोसफेयर, एटमोसफेयर का मतलब क्या होता है? वायुमंडल। इसके बाद अगला आपका आता है एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर, एसआई पद्धति आपको मात्रक बताना है आपको यूनिट का, ठीक है, सॉरी प्रेशर का आपको बताना है, ठीक है, एसआई यूनिट आपको बताना है, किसका बताना है? प्रेशर का आप लोगों को बताना है। इसके बाद अगला आता है आपका कोरिओलिस फोर्स इज मैक्सिमम एट। सेवन नंबर पर आपका आता है द डायरेक्शन ऑफ साइक्लोन इज द नॉर्थन हेमिस्फेयर इज। इसके बाद फिलिंग द ब्लैंक्स आपका दिया गया, इसमें भरना आप लोगों को। अगला आता है आपका एट नंबर पर आपका आता है इज सैलिड वेदर मेकिंग लेयर ऑफ एटमोसफियर इज सैलिड, ठीक है, वेदर मेकिंग लेयर ऑफ एटमोसफियर। नाइन्थ नंबर पर आपका आता है इज द कोल्डेस्ट लेयर ऑफ एटमोसफियर। टेंथ नंबर पर आपका आता है जियोस्ट्रॉफिक, जियोस्ट्रॉफिक क्या होता है? भूम पर खेती करना, ठीक है। इसमें देखिए विंड इज द बैलेंस बिटवीन एंड फोर्स, ठीक है, इसमें एंड के बाद दिया गया फिलिंग द ब्लैंक्स और एंड से पहले भी दिया गया फिलिंग द ब्लैंक्स, इससे भरना आप लोगों को। इसके बाद आपका आता है सेकंड क्वेश्चन आपका आता है डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स, ठीक है, आपको डिफिनेशन देना है, ठीक है, परिभाषा देना है इन सभी का। और चार क्वेश्चन है, 1.25 नंबर का है, 5 नंबर का टोटल क्वेश्चन है, चार क्वेश्चन 5 नंबर का, ठीक है। तो इसमें दिया गया फर्स्ट नंबर पर आपका आता है ग्रेडिएंट विंड, ठीक है। इसके बाद आपका अगला आता है कोरिओलिस फोर्स। इसके बाद सी नंबर पर आपका आता है स्ट्रेटोस्फीयर, और डी नंबर पर आपका आता है ट्रेड विंड बेल्ट्स। इसके बाद अगला आता है थर्ड नंबर पर आपका क्वेश्चन आता है डिफरेंट बिटवीन फॉलोइंग टर्म्स वेदर एंड क्लाइमेट, ठीक है, वेदर एंड क्लाइमेट में आपको अंतर बताना है। इसके बाद अगला आता है आपका साइक्लोन एंड एंटी साइक्लोन, साइक्लोन एंड एंटी साइक्लोन के बारे में बताना आप लोगों को। इसके बाद फोर्थ नंबर पर क्वेश्चन है आपका व्हाट आर द डिफरेंट फोर्सेस विच कंट्रोल विंड मूवमेंट, ठीक है, विंड मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है, क्या क्या किया जाता है, क्या क्या नहीं किया जाता, फोर्स किस लिए किया जाता है, ठीक है, इस प्रकार से आपको बताना है। टोटल नंबर की मैं बात करूँ तो 4 नंबर का क्वेश्चन है एक। इसके बाद 5 नंबर पर आपका क्वेश्चन आता है व्हाट आर द डिफरेंट प्रेशर बेल्ट्स और विंड बेल्ट्स, गिव डिस्क्रिप्शंस फॉर इच बेल्ट्स। 6 नंबर पर आपका आता है व्हाट आर द डिफरेंट लेयर्स ऑफ एटमोसफियर, गिव डिटेल्स डिस्क्रिप्शंस, ठीक है, ये भी आपका 4 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है, इस प्रकार से टोटल क्वेश्चन 6 क्वेश्चन थे, ठीक है, इस प्रकार से। सो दोस्तों पीडीएफ की मैं बात करूँ तो देखिए पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा आप लोग टेलीग्राम चैनल मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग वहाँ से ज्वाइन हो जाइए, ठीक है, वहाँ से आप लोगों को मिड टर्म एग्जाम का क्वेश्चन पेपर, सॉरी
मिड टर्म एग्जाम का क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। ठीक है, सो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, जल्दी नई वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।